वेलकम टू माय चैनल फुल ऑन मस्ती विद इशिता। हम लोग आज एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, एक ग्लोइंग स्लाइम। ये देखिए, मैंने पहले भी इसे बनाने के लिए ट्राई किया था, तो ये देखिए कितना मस्त बना है ये स्लाइम। ये रात को ग्लो करेगा अगर आप इसको बनाएंगे तो। चलिए देखते हैं कैसे। अभी देखिए पूरा अंधेरा है तो एक कैसे ग्लो कर रहा है ये स्लाइम, देख पा रहे हैं ना आप लोग। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं स्लाइम को। तो स्लाइम बनाने के लिए पहले मैंने लिया है इस कंटेनर में थोड़ा सा गर्म पानी, ये है एक मिक्सिंग बाउल, ये है एक बीकर जिसमें 100 ml तक के मार्किंग दिया हुआ है, और ये है एक प्लास्टिक का स्पून, और ये है एक मिक्सिंग के लिए स्टिक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमारा हमारा नाइट ग्लोइंग स्लाइम। तो सबसे पहले हम लोग इस बीकर में जो है हम लोग 100 ml तक के गर्म पानी भर लेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 100 ml तक के इसमें गर्म पानी भर लिया है, और अब हम इस गर्म पानी को इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम ये जो बोरैक्स पाउडर है, स्लाइम एक्टिवेटर, इस पाउडर को हम इस मिक्सिंग बाउल में डालेंगे इस चम्मच की मदद से। ये देखिए हम लोगों ने एक चम्मच ले लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे, और अब हमें इसे 3 मिनट तक बहुत स्पीड, देख पा रहे हैं कि मैं कैसे स्पीड से इसे मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही स्पीड से आपको इसे मिक्स करना होगा। कितने देर तक? 3 मिनट तक। 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, वरना ये बोरैक्स का जो पाउडर है वो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसको वरना आपको फिर से 3-4 मिनट तक के लिए मिक्स करते रहना होगा। अगर 3 मिनट के बाद भी मिक्स ना हुआ पाउडर, तो फिर आप फिर से 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिएगा। अब ये देखिए हम लोगों ने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम इस बोरैक्स सॉल्यूशन को यहाँ पे दूर हटाकर रख देंगे। कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो आप इसको विदाउट टच किए यहाँ पे आधे घंटे तक के लिए रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और ये है एक मिक्सिंग के लिए बाउल, और ये है बीकर जिसमें 100 तक के मार्किंग दिया हुआ है, और ये है एक ड्रॉपर, ये हम लोगों ने फिर से एक मिक्सिंग के लिए स्टिक ले लिया है, ये है ग्लोइंग पाउडर जिससे ये रात को ग्लो करेगा इसको डालने से हमारा स्लाइम, और ये है फिर से स्पून, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक का स्पून। तो अब हम सबसे पहले ये जो फेविकॉल है इस बीकर में डाल देंगे 10 ml तक। अब ये देखिए मैंने इसमें फेविकॉल जो है डाल लिया है, और अब हम इस स्टिक की मदद से इस फेविकॉल को इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अच्छी तरीके से डालिएगा ताकि थोड़ा सा भी जो फेविकॉल है इस बीकर में बाकी ना रहे, क्योंकि एग्जैक्टली 10 ml ही आना चाहिए फेविकॉल। अब ये देखिए हम लोगों ने इस फेविकॉल को डाल लिया है, और अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे 20 ml तक। वाटर मैंने ले लिया है, और अब हम इसको इसमें डाल देंगे, और इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो हम लोगों ने बोरैक्स सॉल्यूशन यानी कि स्लाइम एक्टिवेटर बनाया था, इसको हम लेंगे 8 ml तक के इस बीकर में, इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे इसके मदद से, ये ड्रॉपर की मदद से।
ये देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। अब हम फिर से इसको ऐसे से मिक्स करेंगे। अब हम ये जो ग्लोइंग पाउडर है इसको हम इस स्पून 1/4 ऑफ द स्पून हम लोग लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हम लोगों ने ये ग्लोइंग पाउडर ले लिया है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अभी देखिए ये कैसे अपना रूप ले लिया है स्लाइम ने, अब देख ही पा रहे होंगे। तो ये पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब देखिए कैसे लग रहा है ये, अब देख ही पा रहे होंगे कि ये स्लाइम रेडी हो चुका है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और हाँ मस्ती ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मस्ती के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो चलिए, और हाँ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।